तो राजा देखो कोई भी शासक हो अगर वो समझदार होगा तो अपने कैबिनेट में अपने मंत्रिमंडल में समझदार लोगों को ज़्यादा जगह देगा, अगर वो राजा बेहतर होगा तो। और अगर वो राजा थोड़ा चौपट टाइप का है तो वो अपने कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री समझ रहे हो ना, कैबिनेट का मतलब जो उसका खास मंत्री जो होता है किसी भी सरकार का, तो अगर वहाँ पे अगर वो बेहतर मंत्री को रखता है, एक अच्छा मंत्री को अगर रखेगा तो उसको अच्छा सलाह मिलेगा। लेकिन मान लो कि सिर्फ उसको किसी का मतलब कोई नेता होता है ना आजकल, जैसे कि मंत्री उसी को बनाएंगे जैसे चेहरा देख करके मंत्री बनाते हैं किसी को खुश करने के लिए कि चलो ठीक है आप हमें समर्थन करो आपको हम कल कैबिनेट मंत्री बना देंगे। अब चूंकि तुम किसी को कैबिनेट मंत्री इस वजह से बना रहे हो क्योंकि वो तुम्हें इलेक्शन के टाइम में सपोर्ट किया था, अब तुम खुश होकर के उसको एक बख्शीस के रूप में तुम बना दिए, तो इससे नुकसान किसको होगा? देश को, उस राज्य को क्षति होगा। और ये वर्तमान सरकार पर भी ये रूल लागू होता है। हम ये नहीं कह रहे इनके कैबिनेट मंत्री में सारे कैसे लोग हैं, लेकिन वर्तमान दौर में भी जो देश में जो क्राइसिस चल रहा था, और ये भाई साहब बंगाल में जो बीजी थे, क्या लगता है कि कैबिनेट के लोग कितने सारे लोग इनको सलाह दिए होंगे? अगर ढंग का सलाह देते कि भाई कम से कम अभी तो छोड़ दे और बाद में कर लेना कैंपेन, देख लेंगे बंगाल चुनाव बाद में, एक जगह मेरा नहीं बनेगा सरकार तो क्या घट जाएगा, अभी तो पहले काम कर लें। और अगर वो अच्छे से काम किए होते तो शायद बंगाल का नतीजा, हम ये नहीं करेंगे पूरा चेंज होता लेकिन थोड़ा डिफरेंट तो होता, इतना एक तरफा नहीं हारते। तो आप रह गए लालच में, और ज़रूरत यहाँ पे सरकार को मतलब लोगों को, लोग मर रहे थे, मतलब कि इतनी ख़राब हालत है कि अभी नदियों में मतलब गंगा यमुना में जो है वहाँ पे लोग मतलब कि लाशें गिनी जा रही है, बह रहे हैं लाश, मतलब उनको ठीक से सवदाह तक नहीं किया, उसको जलाया तक नहीं गया है। समझ रहे हो ना, एक अच्छा प्रशासक के पास अगर एक अच्छा थिंकर नहीं होगा, जैसे नीति आयोग का नाम सुनो, नीति आयोग क्या एक थिंकर का एक वो कमेटी है, उसका काम है थिंकिंग करना, अच्छे अच्छे विचार देना सरकार को, सरकार को अच्छी पॉलिसीज़ के लिए वो उसको रिकमेंड करना उनका काम होता है। लेकिन अगर आप अपने नीति आयोग के जो मेंबर्स जो हैं अगर आप वहाँ पे ढंग का नहीं चुनोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप अपने कैबिनेट मंत्री में अगर कायदे के लोगों को नहीं चुनोगे तो चीज़ें गड़बड़ होगा, और हुआ भी, चीज़ें इतना ख़राब नहीं हो सकता था, इसको ठीक किया जा सकता था यार, कितना मामूली सा चीज़ है ऑक्सीजन। अगर किसी भी गवर्नमेंट के पास जो विश्व की छठी अर्थव्यवस्था हो, किसी भी देश के लिए अगर वो ये दावा करता है कि हम विश्व में छठे नंबर पे आएँ पैसे के मामले में, हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ो रहे कि दुनिया में तमाम देशों में हम छठे नंबर पे आते हैं, लेकिन हम मामूली सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ सेक्टर की बात है हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाते, तो फिर आप इतने दिनों से हेल्थ सेक्टर में आप कर क्या रहे थे कि मामूली सा ऑक्सीजन का जो टैंक है वो लोगों को नहीं, जितने सारे लोग मरे हैं अभी कोरोना में, सारे लोग बिल्कुल नहीं मरते, बहुत सारे लोग इस वजह से मर गए क्योंकि उनको टाइम पे जो है जो हेल्थ सपोर्टिंग सिस्टम जो होता है वो नहीं मिला उनको, अगर सिर्फ वो मिला होता तो आज वो बच जाते। तो हो सकता है कि उनके जो कैबिनेट वाले जो लोग हैं पता नहीं वो कैसा सलाह दिए, या भाई साहब सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने में बिजी रहे पता नहीं। तो काम करना था, लोगों का गुस्सा जो भी बनता है सरकार के खिलाफ जो हमारा गुस्सा है वो गैरवाजिब नहीं है, बिल्कुल जरूर, क्योंकि जब एक तरफ लोग देख रहे हैं कि लोगों साइकिल पर लोगों को लाश को ढोया जा रहा है, कई सारे लोग तो मतलब जो कोरोना के जो पेशेंट जो मरे हैं वो मतलब कि कोई छूने तक नहीं गया, और उसको चील कौवे जो नोच के खा रहे हैं, इतने ज़्यादा हम लोग मतलब अंदर से जो ना घृणा आती है सोच करके ये सब बात। और ये प्रशासक किया ऐसा हुआ, हमारी नज़रों के सामने सब चीज़ चल रहा है, और क्या लगता है आँख मूंदने से चीज़ें बदल नहीं जाएगी? जिम्मेदारी है सरकार पे भी जिम्मेदारी है, और कई बार क्या होता है कि सरकार की तो जिम्मेदारी है, वो तो करेगा ही अपना, क्या करेगा नहीं करेगा वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक आम आदमी होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम चीज़ों को कम से कम अफवाह ना फैलाएं। ये व्हाट्सअप और फेसबुक यूनिवर्सिटीज से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जो वैक्सीनेशन को लेकर के आ रहा है कि मतलब इसके वजह से ये होगा वो होगा, बिल्कुल सभी को वैक्सीनेशन कराना चाहिए, और गवर्नमेंट ये चाहती भी है। और हर बार ऐसा नहीं कि सरकार के विरोध करने के चक्कर में पता चला कि हम वैक्सीनेशन का भी विरोध करेंगे, विरोध करो लेकिन वो रीज़नेबल होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ भी देखो इनके पास कितने सारे, देखो हम अभी इनकी बात कर रहे थे, देखो कैसे चीज़ें हिस्ट्री से कैसे जो करंट में कैसे कनेक्शन होता है। इनके पास चंद्रगुप्त मौर्य के पास अगर बात करें तो कौन कौटिल्य थे, अच्छा ये जान बिंदुसार समझते थे कौटिल्य के महत्व को, और ये इसी वजह से जो एंटिओकस है इनसे बहुत बड़े बड़े दार्शनिक का डिमांड किए कि आप अपने एरिया से दार्शनिक भेजोगे तो हमें ये फ़ायदा होगा कि आखिर पश्चिम के लोग किस तरह से सोचते हैं, हमें कुछ नया सोचने का, नया कुछ करने का हमारे पास एक तरीका आएगा। क्योंकि क्या होता है जिस एरिया में आप रहते हो आपका सोचने का माइंडसेट लगभग वैसा हो जाता है,
और जैसे ही आप दूसरे क्षेत्र के लोगों से मिलते हो तो उनके पास नए विचार होते हैं, तो नए विचार जानने का मौका तभी मिलेगा जब वहाँ के लोग आपके टच में रहेंगे, कनेक्शन में रहेंगे, तो आप वहाँ के थिंकिंग लेवल को आप समझ पाओगे। तो ये भी चालाक थे, बोले नहीं ये मेरे बहुत काम का आदमी होता है, क्योंकि ये उस एरिया के लिए ब्रेन थे, ब्रेन उस साम्राज्य के लिए, यूनान के साम्राज्य के लिए वो ब्रेन था, और इस ब्रेन का वो ड्रेन कभी नहीं करना चाहते थे। जस्ट लाइक ये भी एक प्रकार का ब्रेन ड्रेन है कि अगर वो व्यक्ति उस क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और उसके वजह से अगर वो क्षेत्र काफ़ी डेवलप होता है, यानी कि डेवलपमेंट में अगर उस व्यक्ति का योगदान है, तो वैसे लोगों को नहीं चाहेगा कि ये व्यक्ति यहाँ से, भारत की बात कर लो ना, आज कई सारे लोग जो यहाँ से जो अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, वो लोग जो विदेश जा करके जो अपना सर्विस दे रहे हैं, अगर उनको अगर यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ मिलता, अच्छी तनख्वाह मिलता, तो वो वहाँ क्यों जाते सर्विस देने के लिए? तो वो भी एक प्रकार का क्या है, ब्रेन ड्रेन है। अगर वो व्यक्ति यहाँ होता तो भारत का विकास में वो ज़्यादा योगदान देते। अब स्वामीनाथन जैसे लोग, अगर सोचो वो ब्रेन, सोचो वो देश, दूसरे देश अगर चले गए होते और भारत के लिए काम नहीं किया होते, तो शायद आता हरित क्रांति, एग्रीकल्चर में इतना रिफॉर्म होता नहीं होता। तो हमें कई ऐसे लोग भारत को मिले हैं जो भारत में जो रिवॉल्यूशन हुआ है वो उसमें कई सारे, जैसे अमर्त्य सेन की जो बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, उनके